Hey guys, welcome to our YouTube channel FMV फिरते मुंडे व्लॉग्स। तो आज हम करने वाले हैं कच्छ कंप्लीट टूर इन विंटर सीजन। अगर आप कच्छ के बाहर से आए हैं और कंफ्यूज हैं कि कच्छ में ट्रैवल कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर आप कच्छ आते हैं तो आपको सबसे पहले भुज आना होगा, क्योंकि भुज ही सारे रूट्स को कनेक्ट करता है। आप किसी भी स्टेट से, कोई भी रूट से आए, बाय एयर, बाय बस, बाय लाइन आप आ सकते हैं। भुज आने के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, फिर अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो गाइस, ये कंप्लीट टूर होने वाला है 4 डेज का। अगर हम पहले दिन की शुरुआत करें तो वो डे 1 रहेगा हमारा भुज से। तो आज की हम शुरुआत करेंगे भुज से। भुज की जगहों की बात करूँ तो हम स्टार्ट करने वाले भुजिया हिल से। उसके बाद जाएंगे हम स्मृति वन, प्राग महल, आईना महल, और उसके बाद हम जाने वाले हैं वंदे मातरम, हीरा लक्ष्मी मेमोरियल। तो अब आपके दिन की शुरुआत कर सकते हैं सनराइज के साथ, जिसके लिए आपको जाना होगा भुजिया हिल्स, जो कि भुज के हाईएस्ट पॉइंट पे है, जहाँ से आपको पूरी भुज सिटी दिख जाएगी। और यहाँ पे भुजंग दादा जी का मंदिर भी है जो काफ़ी पुराना है। जैसे ही आप भुजिया हिल्स के नीचे आएंगे, स्मृति वन आपका स्वागत कर रहा होगा, जिसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। तो 2001 में जिनकी भी मृत्यु हुई थी उनकी याद में ये स्मृति वन समर्पित किया गया है, जिसे 7 गैलरियों में बांटा गया है। तो स्मृति वन आपको पूरा कवर करने के लिए या फिर देखने के लिए आपको दो से तीन घंटे लगेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे प्राग महल की ओर। तो प्राग महल की बात करें तो इसे इटालियन डिजाइनर द्वारा बनाया गया है। इसे लाल संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया है 1865 में। प्राग महल के ठीक सामने आपको मिलेगा आईना महल, जिसे लखपत राव द्वारा बनवाया गया है और इसे यूरोपियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। और आईना महल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिरर देखने को मिल जाएंगे। प्राग महल और आईना महल में आपको करीब लग जाएंगे 2 से 2.5 घंटे। उसके बाद हम चलेंगे वंदे मातरम एंड हीरा लक्ष्मी मेमोरियल, जो कि भुजोड़ी में। तो इसकी जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो गेट है उसे इंडिया गेट जैसा बनाया गया है, और यहाँ का जो संसद भवन है उसे हूबहू दिल्ली के पार्लियामेंट जैसा बनवाया गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेचू है, जिसमें से मेन स्टेचू है गांधी जी के। यहाँ पर एक लेजर फाउंटेन शो होता है, वो काफ़ी शानदार होता है। वो देखने के बाद हम हमारा आज का डे एंड कर लिए। तो स्टे के लिए हमें मिल जाएगा हॉस्टल या होटल्स, हमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो आज डे 2 में हम विजिट करने वाले हैं 4 जगह, जिनमें से सबसे पहला है मांडवी बीच, दूसरा है रामजी कृष्ण वर्मा, तीसरा है विजय विलास और चौथा होगा अम्बे धाम। मांडवी बीच कच्छ का काफ़ी फेमस बीच है। यहाँ पर काफ़ी मूवीज की शूटिंग, प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर होते हैं, और काफ़ी सारे एडवेंचर्स यहाँ पर लोग करते हैं। और मांडवी का फेमस दाबेली जरूर ट्राई करें। तो मांडवी से हम निकलेंगे श्यामजी कृष्णा मेमोरियल की ओर, जो कि करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये करीब 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसे श्यामजी कृष्णा वर्मा को ट्रिब्यूट देते हुए बनाया गया है। और आपको यहाँ इंडिया हाउस देखने को मिलेगा, जो कि लंदन में है। यहाँ पर करीब हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, फिर इसके बाद हम निकलेंगे विजय विलास की ओर। बात करें विजय विलास की, तो इसे राव खेंगार जी ने बनवाया था 1929 में, और इसे उन्होंने अपने पुत्र के नाम पर रखा था। और यहाँ पर काफ़ी फेमस मूवीज की शूटिंग हुई है, जिनमें से हम दिल दे चुके सनम, लगान और कमांडो जैसी मूवीज। विजय विलास हम निकलेंगे अम्बे धाम की ओर, जो कि करीब 15 किलोमीटर दूर है। अम्बे धाम में अम्बे माता का मंदिर है, जो कि काफी प्रचलित है। और यहाँ पर राम सेतु जिन पत्थरों से बनाया गया था, उनमें से एक पत्थर आपको यहाँ पर अम्बे धाम में वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करके ही आगे बढ़े। इसी के साथ माता के दर्शन करके हम अपने डे 2 का करेंगे एंड। आपको करीब 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे माता के मठ पहुंचने के लिए, और वहां पहुंच के आपको रहने की सुविधा माता के मठ में मिल जाएगी। तो डे 3 में हम 3 जगहों पे जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जाने वाले हैं माता के मठ, उसके बाद हम जाएंगे नारायण सरोवर एंड कोटेश्वर। तो डे 3 की शुरुआत हम करेंगे माता के मठ में माँ आशापुरा माँ के दर्शन करने के बाद। आशापुरा माँ को कच्छ की कुल देवी कहा गया है, तो हमारा ये आपको सजेशन है कि आप माँ आशापुरा के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ें। माता के मठ में आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, आप बहुत सारे कच्छी आर्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। और बात करें पेड़े की, तो कच्छ में माता के मठ में कच्छी पेड़ काफ़ी फेमस है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो माता के मठ से हम निकलेंगे नारायण सरोवर की ओर, और जिसकी दूरी है 57 किलोमीटर। अगर आप 4 धाम की यात्रा करके आते हैं और आपने नारायण सरोवर के दर्शन नहीं किए, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और नारायण सरोवर में आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, तो आप उसके प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही आगे। नारायण सरोवर से हम जाएंगे कोटेश्वर की ओर, जो कि महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि रावण ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना आत्मलिंग रावण को भेंट स्वरूप दिया था। और जब रावण ये आत्मलिंग को लंका ले जा रहा था, तब ये आत्मलिंग को रावण ने गलती से जमीन पर रख दिया, और
हजारों शिवलिंग प्रकट हो गई तो वो लंका न ले जा सका और आत्मलिंग यहीं पर स्थित हो गई और इसी से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। टेश्वर समुद्र के तट पर बनाया गया मंदिर है और यहाँ से पाकिस्तान 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इंडिया का जो लास्ट गांव है लखपत, ये वो है। कोटेश्वर में अगर आप शाम को पहुँचते हैं तो आपको रहने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो पुजारी है बस वही रहते हैं। जो भी सेलर्स है उनको भी इस गांव से बाहर जाना पड़ता है शाम के टाइम पे, क्योंकि कोई रुक नहीं सकता। तो आपको भी अगर रुकना है तो आपको जाना होगा वापस नारायण सरोवर की ओर। नारायण सरोवर वहाँ पे आप रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टे के लिए भी सुविधाएं मिल जाएगी जो मंदिर में ही दी गई हुई है, तो आप वहाँ जाके रुक सकते हैं। इसी के साथ हम डे 3 को करते हैं एंड। तो डे 4 में हम निकलेंगे नारायण सरोवर से ब्लैक हिल की ओर, जिसे हम काला डूंगर भी कहते हैं। तो ये करीब 156 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो ब्लैक हिल की खास बात बताऊं तो ब्लैक हिल में हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया मिलेगा, जहाँ पर अगर हम गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी खुद पीछे जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले गेट के एंट्रेंस के ठीक बाजू में ही दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर दिख जाएगा। 1500 फीट हाइट है, जहाँ से हमें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया लास्ट ब्रिज देखने को मिलता है, जो कि काफी शानदार है। और यहाँ से सनसेट पॉइंट जो दिखता है वो काफी शानदार होता है। पर हमें निकलना है व्हाइट रन की ओर, जो कि करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे कच्छ टूर का एंड हम एक खास जगह से करेंगे, जिसे हम कच्छ का कश्मीर कहते हैं और जो हमारे कच्छ को 4 चांद लगाता है, द ग्रेट व्हाइट रन ऑफ कच्छ। तो आप जैसे ही व्हाइट रन में एंटर करेंगे आपको सबसे पहले परमिट लेनी होगी। परमिट इसलिए लेनी होगी क्योंकि ये व्हाइट रन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। परमिट लेने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे व्हाइट रन में, हमें चारों तरफ टेंट ही टेंट्स देखने को मिलेगा कि नाइट स्टे के लिए है। मेन मजा है स्टे करने का वो है टेंट सिटी में। और अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो ये करीब 1000 से लेकर आपको मैक्स टू मैक्स 22,725, सही सुना आपने, 22,725। तो आप अपने बजट अनुसार अपने टेंट बुक कर सकते हैं। और यहाँ के जो नाइट शोज होते हैं, जिसमें फोक डांस होता है, गरबा, फिर फोक संगीत, और जो मेन मजा है रात का वो है बोन फायर का। आप अपने टेंट के सामने मस्त बोन फायर जलाकर बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। नाइट में आप यहाँ के मार्केट का लुफ्त उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मार्केट है वहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे कच्ची हैंडीक्राफ्ट हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपका मन लुभा लेगी। और नाइट में आपको मस्त खाने की सुविधा मिल जाएगी विद प्रॉपर हाइजीन और बजट में। और नाइट होते होते आप अपने टेंट में जाकर मस्त रिलैक्स करिए और इंजॉय करिए टेंट में रहने का मजा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जल्दी उठिएगा, क्योंकि हमें इंजॉय करना है सनराइज व्यू, जो कि हम देखेंगे वॉच टावर से। तो भाई जल्दी सुबह उठना, क्योंकि हमें देखना है वॉच टावर से सनराइज, क्योंकि वहाँ का जो सनराइज है ना भाई वो काफी शानदार होता है। मॉर्निंग का सनराइज एंजॉय करने के बाद हम बढ़ेंगे एडवेंचर पार्ट पे। एडवेंचर में हम पैराग्लाइडिंग, जीप पैरासेलिंग और ATV बाइक्स प्लस कैमल राइड एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं रेट की बात करूँ तो पैराग्लाइडिंग का जो भी मेन मौसम चल रहा है वो पैराग्लाइडिंग का है, जिसका रेट करीब 1000 से लेकर 2500 समथिंग तक है। ये व्हाइट रन इतना फेमस है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में फॉरेनर्स भी आते हैं। आप चाहे तो इनके साथ सेल्फी वगैरह खिंचवा सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो करते हैं हम हमारे कच्छ ट्रैवल टूर का एंड। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ अगर आपको डाउट है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम सुबह 10 बजे के यहाँ पे बैठे हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो पूरा दिन निकल गया हमारा इस व्लॉग को बनाने में, इस जानकारी को इकट्ठा करने में और इसको एग्जीक्यूट करने में। तो होप गाइस आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ बिल्कुल गाइस, तो हमें सपोर्ट करें।